एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो सुबह सुबह जो है मेरे हस्बैंड आए और बोले कि चटनी बना दो। तो मैंने सोचा कि नाश्ते में केवल चटनी कौन खाता है। तो उन्होंने बोला कि अरे चटनी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दूध वाली आंटी जिनके यहाँ से हमारे घर का जो दूध आता है, तो उन्होंने पानी की रोटी बना के दी है और वो भी चूल्हे पे, जो कि खाने में बहुत ही यम था। तो हम लोगों ने इसका नाश्ता किया सुबेरे और अब मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, लहसुन मिर्च सब मैंने पीस लिया है और प्याज और शिमला मिर्च को काट लिया है छोटे टुकड़े में। तो यहाँ पे कढ़ाई रख देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे तेल खाने वाला। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जो आप खाते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले प्याज और शिमला मिर्च को हम थोड़ा सा तेल में सॉटे कर लेंगे और उसके बाद से फिर इसको हम निकाल करके अलग एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे ये हाफ कुक हो गया है, तो अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद जो है इसी तेल में हम मसाले को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, लहसुन, मिर्चा और अदरक का प्यूरी मैंने बना लिया है और इसी में हम हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि हम इसी में मिला देंगे और उसके बाद से फिर हम इसको अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है और उसके बाद से फिर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, उससे जो है अच्छा कलर आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको फ्राई कर रही हूँ, देख लीजिए। और ये जो है मतलब बिल्कुल जब तेल छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि मसाला पक चुका है। तो ये अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें पानी डाल करके अच्छे से इसको बॉईल आने देंगे इसमें और फिर हम इसी में प्याज और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और उसके बाद से अच्छे से हम इसे कुक कर लेंगे। और साथ ही में मैंने यहाँ पे पनीर डाल दिया है इसमें। तो यहाँ पे पनीर को मैंने थोड़ा सा बड़े साइज़ में काट लिया है और फिर हम इसमें डाल करके अच्छे से इसको हम पका लेंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और ये जो है कसूरी मेथी है, इसको हम अच्छे से हाथ से ऐसे क्रश करके और डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है हम इसको ढक करके अच्छे से इसमें बॉईल आने देंगे। और इसकी ग्रेवी जो है, यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है और इसकी ग्रेवी जो है आप चाहें तो लटपटा भी बना सकते हैं और या फिर अगर आपको ग्रेवी चाहिए ज़्यादा तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉईल आ गया है और हमें इसी तरह से चाहिए, ज़्यादा मतलब हमें सूखा नहीं बनाना है। पनीर की सब्ज़ी जो है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चों को क्या घर में सभी को पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ फ्रेश मलाई रखा है तो उसे मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम गैस को बंद कर लेंगे और उसके बाद जो है इसमें हम मलाई डालेंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी तो बिल्कुल रेडी हो गई है और इसके साथ ही जो है मैं चावल या रोटी कुछ बना लूँगी। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और मेरा जो है पार्सल आ गया है मीशो से। मैंने मंगाया था ब्लाउज़, तो ये जो है 2 ब्लाउज़ है, एक पिंक कलर का है और ये रेड कलर का है। तो इसको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। पहले भी मैंने मंगाया था लेकिन वो एक साइज़ छोटा हो रहा था तो मैंने उसे एक्सचेंज कर लिया है। तो ये एक साइज़ बड़ा मैंने मंगाया है, ये पिंक कलर में है और एक दूसरा जो है रेड कलर में है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल कम्फर्टेबल हैं। और इसके बाजू में जो है लेस लगा हुआ है तो इससे मतलब जो है इसका लुक और भी मतलब अच्छा लगने लगता है। तो ये आप देख सकते हैं और बिल्कुल कंफर्टेबल है ये, इसे आप किसी भी साड़ी से मतलब मैच करके पहन सकते हैं। और उसके बाद से जो है मैंने एक साड़ी भी मंगाया है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक्चुअली मुझे एक फंक्शन में जाना है, हल्दी फंक्शन में, तो मुझे पहनने के लिए मतलब येलो कलर की साड़ी नहीं थी तो मैंने मीशो से मंगाया है। तो ये भी जो है बहुत अच्छा है, इसके किनारे लेस लगा हुआ है और बिल्कुल हल्की साड़ी है ये और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। तो आप देख सकते हैं ये भी
इस पे मटका जो है, मटके का प्रिंट बना हुआ है और जॉर्जेट में है ये साड़ी। इस साड़ी को मैं पहन के भी दिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको देखना है तो हमारा आने वाला व्लॉग देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी साड़ी है और इसमें थोड़ा सा गोल्डन कलर भी है और ये मटके का प्रिंट बना हुआ है। और ये ब्लाउज़ है, ब्लाउज़ का कपड़ा तो मतलब उतना अच्छा नहीं है, लेकिन साड़ी बहुत अच्छी है। तो गाइस, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।